tenniscricket.in. सबसे बड़ी सब्सक्राइबर है tenniscricket.in, उसके जो फाउंडर्स है संतोष नानेकर. एक लंबी हर्डल टीम हर्डल होने जा रही है जैक सुपर किंग बाडोली की टीम में. जेएमए बॉयज भाटा आयोजित टूर्नामेंट का आयोजन किया गया शशि पटेल की ओर से, अनिल भाई पटेल की ओर से. वहाँ डीपी 11 वीरावड़ी चैंपियन रही थी. हितेश पटेल इज मैन ऑफ द सीरीज एंड डीपी 11 वीरावड़ी इज चैंपियन देयर. मानव गोसाई और दिव्यस बोदर ये दोनों सलामी बल्लेबाज है. देखिए एक दाहिने हाथ के बल्लेबाज और एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है. फैनी त्रिवेदी की ओर से, फैनी त्रिवेदी ये कप्तानी कर रहे हैं पटेल 11 भाटा की ओर से. ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट्स का आयोजन धर्मेश भाई पटेल और हसुकाका की ओर से. पावर प्ले वन पावर प्ले दो ओवर का रहेगा. सिक्स ओवर में दो ओवर पावर प्ले है. दो ओवर है ही भाई कंपलसरी. आपने देखा अखिल भारतीय अभी जेम्सन का टूर्नामेंट है, वहां छह में दो ही ओवर थे पावर प्ले. छह ओवर में दो कंपलसरी पावर प्ले ओवर है और आठ में भी वही हो जाते हैं दो. मानव गोसाई और दिव्यस बोदारी की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर पटेल 11 भाटा की ओर से. दो मिनट के लिए रोकना चाहूंगा. टेनिस क्रिकेट डॉट इन के जो डिजिटल स्कोरर्स है मिस्टर विनायक सिगवान सर थोड़े बिजी है वहां पे. नामांकन किया जा रहा है प्लेयर्स का. ₹19 लाख सब्सक्राइबर्स है टेनिस क्रिकेट डॉट इन के ऊपर. उन सभी का आभार और बड़ी मात्रा में आप टेनिस क्रिकेट डॉट इन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना आप ना भूलें. पिछला हफ्ता महत्वपूर्ण रहा है आरआर कप रिवड़ा का टूर्नामेंट्स रहा. वहाँ पे बालाजी राजकोट 11B ये चैंपियन होने वाली टीम और MECC सामलपुर 11 ये रनसर होने वाली टीम थी. तो गेंदबाजी की जिम्मेवारी मितेश दरबा ने भी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से. जैक सुपर किंग बारडोली के लिए दो ओवर का पावर प्ले ओवर और स्ट्राइक के ऊपर है दाहिने हाथ के बल्लेबाज दिव्यस बोदाली. अंपायर्स में रजाक्षर और आम सर ये दोनों ऑन फील्ड अंपायर्स. विकेट कीपर में हितेश भट्टू. शॉर्ट फाइन लेग के सन के ऊपर याशिर पटेल कैप्टन. तौशिफ शॉर्ट स्क्वायर लेग. और इस बार आ गया कृष्ण को खेला और खूबसूरत कैच लिया जा रहा है वहां पे. सूरत कैच इस देखे वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर्स की ओर से. फील्डर्स नेम प्लीज. दिव्यस फील्डर्स थे वहां पे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर. पहले गोल्डन डक के ऊपर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज है दिव्यस बोदारी पटेल 11 भाटा के लिए. ये सफलता हाथ लगी है मितेश दरबार को. मितेश अब जय मरोड़ी आया है बल्लेबाजी के ऊपर दिव्यस बोदारी के आउट होने के बाद. जय मरोड़ी अब आए बल्लेबाजी के ऊपर पटेल 11 भाटा की ओर से. जीरो रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर.
टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया जैक सुपर किंग बारडोली ने। ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच 6 ओवर का और 6 ओवर में 2 ओवर कंपलसरी बैटिंग पावर प्ले ओवर। मितेश दरबार एक बहुत अनुभवी गेंदबाज है। मितेश दरबार इस बार हर क्या स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई सीरी मिडाउन के स्थान के ऊपर। जब तक गेंद को जाकर फील किया जाए, मितेश दरबार की ओर से कोई रन नहीं स्कोर, इस बीच रुका हुआ 0 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छे परफॉर्म किए गए। देखे जय मरुड़ी की ओर से, मरुड़ी गांव से ये बिलोंग करते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छा रहा है मरुड़ी गाँव से। और इस बार एंगलिंग गेंदबाजी, वहां देखे पड़ने के बाद हल्की सी एक अंदर आई गेंद, ये अनुभव का पूरा निचोड़ दिया जा रहा है। देखिए इसमें तीन बहुत दो महत्वपूर्ण सीनियर है, इसमें यासिर पटेल और मितेश दरबार, ये बहुत ही सीनियर है जैक सुपर किंग बारडोली में। इसके टीम ओनर्स जकरिया भाई अंसारी इज फ्रॉम बारडोली। दो बहुत बड़ी टीमों के बीच अखिल भारतीय टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच। और इस बार झड़मेदारी गई गेंद थी, गेंद गई वहां पे शॉर्ट कवर की दिशा में, और जब तक गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए मोंटू की ओर से, तब तक 2 रन पूरे कर चुके थे बल्लेबाज। 2 रन के साथ स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ पटेल भाटा 11 का, 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का प्रारंभिक ओवर। मितेश दरबार की ओर से एक सफलता अर्जित कर चुके हैं दिव्यस बुदाली के रूप में। स्क्रीन बॉल एक वाइड यॉर्कर, वहां पे खूबसूरत गेंदबाजी वहां मितेश दरबार की ओर से। तो इस प्रकार स्कोर है पटेल 11 भाटा 11 का, 2 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। दोनों विकेट ले चुके हैं मितेश दरबार जैक सुपर किंग बारडोली के लिए। एवेन्यू जय सहकार क्रिकेट ग्राउंड कस्बा पार, तालुका नवसारी, डिस्ट्रिक्ट नवसारी, गुजरात से सीधा प्रसारण tenniscricket.in के ऊपर। अपने मोबाइल खोले और tenniscricket.in की ओर जाए, ये पूरे नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। अच्छा कार्य किया जा रहा है tenniscricket.in की ओर से। 19 लाख सब्सक्राइबर्स है भारत भर में, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है अपने आप में। अच्छा कार्य किया जा रहा है टेक्निकल टीम की ओर से। रोनी आबा है रोनी। अच्छा वो देखिए खूबसूरत गेंदबाजी की जा रही है मोंटू को, मोंटू मिहिर को अब शामिल किया जा रहा है डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। यूवी फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर, शॉर्ट थर्ड मैन के स्थान के ऊपर याशिर, उसके ठीक बाजू में शॉर्ट गली। ये बाई हाथ के बहुत ही उपयोगी बल्लेबाज है, देखिए डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर और डीप लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर डीवीएस। और इस बार उछाल भरी गेंदबाजी, बल्लेबाज बीट हुए, विकेट कीपर बीट हुए और गेंद जा रही है डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर। लिख भाई का इशारा अंपायर रजाक सर की ओर से। तो 4 अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। ओवर की भी समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है पटेल भाटा 11 का 6 रन 2 विकेट के नुकसान के। टूर्नामेंट में विजेता होने वाली टीम के लिए 151,000 और रनर्स अप होने वाली टीम के लिए 75,000। और टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है धर्मेश भाई पटेल बीरावाड़ और हसु भाई कस्बा की ओर से। टूर्नामेंट के जो टाइटल स्पॉन्सर्स मिस्टर जीरल भाई पटेल, प्रभा कुछ फाउंडेशन, केतन कंस्ट्रक्शन, केशियल सोस फैक्ट्री, मिस्टर चेतन भाई पटेल, ये टाइटल स्पॉन्सर्स इस प्रतियोगिता के लिए, उन सभी का आभार।
चीज आया गेंदबाजी के ऊपर मीत। युवा गेंदबाजों को साथ चल रही है, देखिए टीम स्ट्राइक के ऊपर है। मानव गोसाई ये महादेव मरोड़ी इलेवन के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य। देनी और बाएं हाथ की जोड़ी को अभी भी शामिल किया जा रहा है फैनी त्रिवेदी की ओर से। फैनी त्रिवेदी कप्तानी कर रहे हैं पटेल इलेवन भाटा के लिए। वो चाहेगी कि 60-65 या उसके आसपास जाए टीम 6 ओवर के मुकाबले। मीत मीत के लिए बहुत ही इमर्जिंग बल्लेबाज है मानव गोसाई। पिछले 3 साल महत्वपूर्ण रहे मानव गोसाई के लिए। इस बार रिवर्स खेला गया बल्लेबाज की ओर से। मैं पहले ही बताऊं ये बहुत ही सक्षम बल्लेबाज है मानव गोसाई। 4 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 10 रन। ये पहला चौका, इसके पहले का जो 4 रन आए थे अतिरिक्त रन के रूप में आए थे। स्कोर अब जा पहुंचा है 10 रन। पारी का ओवर नंबर चल रहा है दूसरा। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पटेल इलेवन भाटा। ये भी फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर डीवीएस काउ कॉर्नर के ऊपर डीवीएस टीप स्क्वेयर बाउंड्री लाइन के ऊपर मिहिर मोंटू। ये फिर से रिवर्स खेलना चाह रहे थे। नाइस विकेट कीपिंग बिहाइंड द स्टंप बाय हितेश पटेल। ये भी वैसे अच्छा भी रहा है। देखे पिछले जो हफ्ता रहा था जे में बॉयज अगासी बॉयज के द्वारा आयोजित ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट्स, वहाँ मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। वहाँ चैंपियन रही थी डीपी 11 वीरावड़। ये धर्मेश भाई और प्रीतेश भाई की टीम चैंपियन रही वहाँ पे। ये देखे रिवर्सिव स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। डॉट गेंद वहाँ पे। नाइस विकेट कीपिंग बिहाइंड द स्टंप बाय हितेश पट्टू। स्कोर इस बीच रुका हुआ 10 रन। फील्डिंग में कोई क्रम्बोनी फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट मिड ऑफ के स्थान के ऊपर। शॉर्ट कवर पॉइंट के स्थान के ऊपर तौसिफ सोनगढ़। ये आसान कैच है, कंप्लीट नहीं कर पाए और एक आसान कैच लिया गया अक्रम बोनी की ओर से। इस प्रकार पटेल इलेवन भाटा को लगने वाला ये 3rd विकेट का नुकसान है 10 रन के निजी ओवर के ऊपर। ये 6 ओवर के मुकाबले। जैक सुपर किंग बारडोली ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। जॉब में पहले ओवर में 2 विकेट लिए गए मितेश दरबार की ओर से। वहाँ स्कोर था पहले ओवर में 6। पारी का दूसरा ओवर है, स्कोर है 10 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। जैविक आए अब जैविक करोड़ जैक आए अब नए बल्लेबाज के रूप में। ये करोड़ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। बाएं हाथ के एक बहुत ही उपयोगी बल्लेबाज है जैक पटेल और फिर जैविक पटेल। जैविक और रोनी की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। लंबी पारी खेलना चाहेगी। देखिए ये पूरा प्रस्ताव दिया गया है वहाँ शशि पटेल की ओर से। शशि पटेल ये पटेल भाटा इलेवन के मेंटोर भी है के टीम ऑनर्स से अनिल भाई पटेल भाटा। ये बहुत क्रिकेट प्रेमी है। हर साल टूर्नामेंट्स का आयोजन होता है जेएमए बॉयज भाटा की ओर से। इस साल वो टूर्नामेंट्स रहा था 70-70 यूट्यूब लाइव के ऊपर। जैविक पटेल स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के बहुत ही उपयोगी बल्लेबाज जैक। और ये आसान कैच वहां पे हवा में गेंद अंदर आ गई। वहां शॉर्ट कवर के फील्डर्स ने कैच ले लिया वहां पे। फील्डर्स ने अकरम भाई तेजस ने कैच लिया 10 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का एक सही निर्णय यहाँ कप्तान यासिर पटेल की ओर से जैक सुपर किंग बारडोली के लिए।
10 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये ओवर नंबर। सो बैट्समैन नेम प्लीज, बैट्समैन नेम तुषार बाबू, हाँ ये बेसमा से ही है, तुषार पटेल बाबू। इस बार लेग ब्रेक गेंदबाजी वहां पे मीत की ओर से, तो पावर प्ले के ओवर समाप्त रहे। पावर प्ले के ओवर में रन बनाए गए पटेल 11, भाटा की ओर से 10 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर ये 6 ओवर का मुकाबला। मितेश दरबा ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी कंटिन्यू संभाल रखी है जैक सुपर किंग बारडोली की ओर से। डीप स्क्वायर एक बाउंड्री लाइन के ऊपर तौशिफ पठान, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर मिहिर दिव्यस फील्डिंग करे, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर तेजस फील्डिंग करे, डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर यूवी फील्डिंग करे शॉर्ट कवर पॉइंट के स्थान के ऊपर। एक डीप फाइन लेग अब शामिल किया जा रहा है, मीत अब फील्डिंग करे डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। और देखिए फील्डिंग चेंज रही है, फिर से देखिए डीप एक्स्ट्रा कवर शामिल किया जा रहा है, तेजस फील्डिंग करे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। निर्णय साझेदारी चाहिए यहां से पटेल 11 भाटा की टीम के बल्लेबाजों के बीच। इस बार वाइड यॉर्कर वहां पे गेंद गई हितेश पट्टू की दिशा में, डॉट गेंद, स्कोर इस बीच रुका हुआ 10 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पटेल 11 भाटा। फैनिल त्रिवेदी का नाम भी विशेष, एक बहुत ही सक्षम बल्लेबाज है फैनिल त्रिवेदी। इसको ये वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, अपेक्षा से ज्यादा टर्न मिला, गेंद में उछाल जरूर थी, देखे अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ पटेल 11 भाटा 11 का 11 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। और इस बार आगे आकर शो को खेला बल्लेबाज ने, डीप फ्री किया गया डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। खूबसूरत शो को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, भी जाके बढ़ता हुआ पटेल 11 का 17 रन, पारी का ओवर नंबर चल रहा है 3, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। रोनित और तुषार की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के ऊपर एक बहुत ही विश्वसनीय पारी खेले जाते हैं, बहुत बड़ा दबाव है देखे, उस दबाव से बाहर आकर पारी खेलने की कोशिश की जा रही है रोनित पटेल की ओर से। इस बार एक वाइड यॉर्कर वहां पे अंदरूनी भाग कर लगकर गई मीत की दिशा में, और जब तक इनको फील किया जाए मीत की ओर से एक रन से नहीं रोक पाए, एक रन के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 18 रन पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। चेंज ऑफ पेस किया जा रहा है, देखे गेंदबाज मितेश की ओर से, स्कोर इस बीच रुका हुआ 18 रन पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पटेल 11 भाटा।
स्टेज राइट शो को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर से, एक रन के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 19 रन, तीन ओवर की समाप्ति पर चार विकेट के नुकसान के ऊपर पटेल एलिमिन बाटा, मतलब तीन ओवर समाप्त, अब तीन ओवर का खेल और शेष बच रहा है पहले क्वार्टर फाइनल मैच में। विश्व से साझेदारी करना है रोनित और तुषार के बीच, के टीम मीटिंग होने जा रही है वहां हितेश और तेजस के बीच के कौन से गेंदबाज को अब शामिल किया जाए कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। और गेंदबाजी की जिम्मेवारी तेजस ने इस बीच संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से, तेजस आए हैं अब। तेजस ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से, कि किस प्रकार फील्डिंग है वहां पे। जस्टिन फील्डिंग कर रहा है डीप बैकवर्ड स्क्वायर एक बाउंड्री लाइन के ऊपर, और इस बार पंच किया है, खूबसूरत पंच किया जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी डीप कवर बाउंड्री लाइन की ओर चार रन के लिए। विश्व स्तरीय स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज तुषार बाबू की ओर से, चार रन के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ पटेल इलेवन भाटा इलेवन का 23 रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है चार विकेट के नुकसान के ऊपर। फ्रेंड्स म्यूजिक बैंड उनका भी हार्दिक स्वागत है वीर रावण। अच्छी यूट्यूब ऑपरेटर्स इसमें ऑपरेटर्स में बहुत देखे अच्छे अच्छे गाने बजाए जाएंगे उनकी ओर से। इस बार ब्लॉक गेंद थी आगे आकर स्ट्रोक को खेला और गेंद गई वहां पे काव कॉर्नर की दिशा में, और जब तक गेंद को फील किया जाए अक्रम बोनी की ओर से, एक रन के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ पटेल भाटा इलेवन का 24 रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है चार विकेट के नुकसान के ऊपर। और इस बार फ्री करना चाह रहे थे स्क्वेले की ओर, गेंद गई वहां पे जस्टिन की दिशा में, तब तक एक रन बल्ले से लग कर गई है, देखिए गेंद वहां पे एक रन के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 25 रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है चार विकेट के नुकसान के ऊपर। 60-65 के आसपास जाना चाहेगी टीम, उसके ऊपर रोकना होगा जैक सुपर किंग बारडोली की टीम को। और इस बार कट किया कैच है और ये खूबसूरत कैच है वहां पे, और ये कैच छूट गई वहां पे डीप कवर के फील्डर्स की ओर से, ये स्लैश किया था देखे बल्लेबाज तुषार ने, खूबसूरत पारी खेल रहा है जैक तुषार बाबू, घरेलू क्रिकेट ये वेस्मा से खेलते हैं। 35 डिग्री सेल्सियस तापमान देखे नवसारी में, लेकिन दूसरी जगह 42 है, लेकिन यहाँ थोड़ा नीचा तापमान है। राजकोट अहमदाबाद की स्थिति देखे 42 से ऊपर तापमान चल रहा है, स्कोर अब जा पहुंचा है 31-31 रन, उपयोगी साझेदारी वहां तुषार पटेल वेशमा और रोनित पटेल के बीच। और इस बार स्विंगिंग यॉर्कर वहां पे एक अनप्लेबल बॉल है, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलना चाह रहा है, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक के लिए आपको कई अध्ययन करते पड़ते उसके बाद में आप हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने पड़े, ऐसा नहीं है कि नेट में एक दो गेंद खेले, ऐसा नहीं है। हसू भाई का भी आगमन हो चुका है, एक क्रिकेट प्रेमी है हसू भाई कस्बा, ये टूर्नामेंट के मेन कर्ता हर्ता में है हसुका का और धर्मेश भाई भी रावण। और ये फ्लिक किया है और गेंद गई चर्चे के नीचे में, खूबसूरत फील्डिंग, ये मिस फील्डिंग कही गई थी
और जब तक गेंद को फील किया जाए तब तक दो रन मिलेंगे। दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन, 4 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पटेल भाटा 11। 4 ओवर 33 लॉस ऑफ 4। अक्षय भाई का भी हार्दिक स्वागत। चार ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति पर 20 स्कोर है मैदान के ऊपर 33 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 4 ओवर 33 लॉस ऑफ 4। 2 ओवर का खेल अभी भी शेष बच रहा है। ये टेनिस क्रिकेट डॉट इन, ये भारत भर की सबसे पहले नंबर के ये सब्सक्राइबर्स है, इसमें 19 लाख सब्सक्राइबर्स, 19 लैक्स। और सभी को मैं विनती करता हूँ कि आप YouTube के ऊपर जाए, YouTube सर्च करें, शेयर करें, tenniscricket.in के ऊपर जाए, मित्रों में कहें और मित्रों अपने जो ग्रुप है उनके अंदर आप उसको भेजें tenniscricket.in, ये पूरे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। स्कोर 33 रन 4 ओवर की समाप्ति पर। मीत को अब शामिल किया जा रहा है कॉमेंट्री बॉक्स छोर से। अच्छी साझेदारी वहाँ रोनित और तुषार पटेल वेसवा के बीच। अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया था, बहुत अंदर में गेंद गिरी, शॉट बैकवर्ड्स के लेकिन शॉट मिड विकेट की दिशा में, जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो दिया जाए, तीसरे रन की कोशिश करें लेकिन तीसरा रन नहीं था वहां पे। दो रन के साथ संतोष मानना पड़ेगा बल्लेबाज रोनित पटेल को। दो रन के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 35 रन 35 इन द फिफ्थ ओवर। पारी का ओवर नंबर चल रहा है 5। 11 गेंदों का खेल अभी भी शेष। यही सोचा जा रहा है कि 60-65 के बीच जाइए, एवरेज स्कोर भी है 6 ओवर की मर्यादित मैच का, और उसकी ओर अग्रेसर होने जा रही है। 4 विकेट जरूर खोए हैं। टेनिस क्रिकेट देख बहुत सुनाई के ऊपर जा पहुंचा है, ऐसा नहीं है कि केवल ये गुजरात और महाराष्ट्र का ही खेल है, अखिल भारतीय में देखिए अब झारखंड है, बिहार है, वहां तक भी टेनिस क्रिकेट जा पहुंचा है। अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं। क्लासिकली देखिए वो कर्नाटक से थे, वो मैन ऑफ द बेस बॉलर भी रहे वहां पे यूनिटी ग्रुप चिखली में। अंकुर सिंह इज मैन ऑफ द सीरीज इन यूनिटी ग्रुप चिकली इन 16th सीजन। अच्छे मैचेस रही थी कल भी, और इस बार गेंद को खेलना चाह रहे थे फाइनल के क्षेत्र में, और जब तक गेंद को फील किया जाए मोंटू मिहिर की ओर से, वाइट का इशारा अंपायर की ओर से, रिव्यू नहीं है, रिव्यू है ओके। ये फील्डिंग टीम ने रिव्यू लिया है शायद, रजाक भाई इज अ फील्डिंग टीम इज रिव्यू फॉर वाइट बॉल ओके। चेक करें वहां पे थर्ड अंपायर्स पिंटू पाठक, ये न्यायपालिका की ओर गई है वहां पे फील्डिंग टीम। फायर डिलीवरी बाई, स्कोर 36 36 रन। पारी का वो नंबर चल रहा है 5।
आसान कैच है, देखे जितनी दूरी ले ना पाए वो नहीं ले पाए वहां पे, और कैच छोड़ा गया तो शेफ की ओर से। ये कैच वैसे दिव्यस का था वहां पे, और ये तीसरा रन भी पूरा कर चुके हैं बल्लेबाज। तीन रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। पारी का ओवर नंबर चल रहा है 5, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। तीन रन देखिए पहली बार लिए जा रहे हैं दोनों बल्लेबाजों के बीच। एक दिव्यस के लिए बहुत आसान कैच था, लेकिन फील्डर्स को कहना पड़ेगा मैं कैच की ओर जा रहा हूँ, ये कहना पड़ेगा दोनों फील्डरों में से किसी एक फील्डर्स को, तब वो जाएगा कैच की ओर। तौसिफ ने कैच छोड़ा है, तौसिफ पठान। स्कोर 39 पारी का ये 5वां ओवर, और स्ट्राइक के ऊपर है रोनित पटेल। एक बहुत ही उपयोगी पारी खेल रहे रोनित पटेल। यावे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया, और ये खास से कैच लेने की कोशिश, गेंद घूमी और गेंद जा रही है सीधी डीप फाइंडर की ओर, और जब तक गेंद को फील किया जाए, रिले थ्रो दिया जाए, तब तक दो रन मिले बल्लेबाज को। दो रन के साथ स्कोर भी जाके बता हुआ पटेल 11, भाटा 11 का 41 रन। पारी का ओवर नंबर चल रहा है 5, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। रिवर्सिव स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई जस्टिन की दिशा में, और जब तक गेंद को फील किया जाए वो आराम थ्रो दिया जाए। एक रनों के साथ स्कोर भी जाके बढ़ता हुआ पटेल भाटा 11 का 42 रन। पारी का ओवर नंबर चल रहा है 5, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये आसान कैच है, दूरी नहीं ले पाई ये गेंद। डीबीएस ने कैच लिया वहां पे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक चेंज किया जा रहा है देखिए कमेंट्री बॉक्स, पटेल बीरावड़ और हसुभाई कस्बा की ओर से। और इस बार हल्के से स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, और जब तक गेंद को फील किया जाए अक्रम बॉनी की ओर से। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पटेल 11, भाटा 11 का 43, 43 रन। पारी का ये छठा और आखिरी ओवर चल,
विशेष यूवी को शामिल किया और स्ट्राइक ओवर चल रहा है। मिस्टर विनायक रजाक
46 बॉल रन बने हैं और मैच को जीतने का टारगेट दिया जा रहा है। कर दिए जैक सुपर किंग बारडोली ने एक रन। स्ट्राइक के ऊपर अक्रम बोनी, हिमानो को सही फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर। एक तुषार बाबू फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट स्क्वेली के सन के ऊपर, डीप मिड विकेट शॉर्ट लॉन्ग ऑफ के सन के ऊपर। रोनित पटेल दिवेश बोदारी फील्डिंग कर रहे हैं डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये रिवर्स खेलने की कोशिश, खूबसूरत विकेट कीपिंग वहां पे जय पटेल मरोली की ओर से। जय पटेल के ठीक बाजू में पेरिस रिक के स्थान के ऊपर रिंकेश पटेल हैज बिलोंगिंग फ्रॉम मटवाड़। अच्छा देखिए ऐसा नहीं है, मिट्टी वाला विकेट ये सनसर्टन भी माने रखता है मिट्टी वाली विकेट के ऊपर। इस बार फिर क्या से शेयर करने की कोशिश, खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे फैन त्रिवेदी की ओर से। स्कोर भी चुका हुआ जैक सुपर किंग बारडोली 11 का एक रन 48 रनों के जवाब में। पहले 47 बनाए गए पटेल 11 बाटा की ओर से।
दूसरा टारगेट 48 इन 6 ओवर मैच, आक्रम बोनी और हितेश पट्टू की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। और इधर खूबसूरत शो को खेला जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की और चार रन के लिए, चार रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17-17। तो दौर की समाप्ति और दौर की समाप्ति पर स्कोर है जैक सुपर किंग बारडोली 11 का 17 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं, टारगेट 48 इन 6 ओवर। अच्छा मैच है, देखे दोनों टीमों के बीच का ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच है, उसके बाद का जो मैच है पार्थ 11 वर्सेस प्यारी मंजिल 11 के बीच, जिसमें आसिक अली दिखे गए, प्रथमेश ठाकरे दिखे गए, जिसके नजीमुल्ला का महत्वपूर्ण टूर्नामेंट रहा था प्रथमेश ठाकरे के लिए। अर्धशतक बनाए, 10 गेंदों के ऊपर दर्शक लगाना है, तीसरे बल्लेबाज थे इसमें, पहले नंबर के ऊपर महेंद्र मागे, जगत सरकार एंड प्रथमेश ठाकरे जिन्होंने 10 गेंदों के ऊपर दर्शक लगाए हैं। इस बार रिवर्स खेला गया, कैच है, कैच के लिए नहीं गए, वहां पे गेंद ने टिप्पा खाया, वहां पे शॉट गली की दिशा में, जब तक इनको एक टप्पा फील किया जाए जैविक पटेल की ओर से। एक रन के साथ स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ जैक सुपर किंग बारडोली 11 का 18 रन, पारी का ओवर नंबर चल रहा है 2, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं, टारगेट 48। हसुका का ओके, इस बार स्वीप किया गया, खूबसूरत स्वीप किया जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की और चार रन के लिए। इस क्षेत्र में 3 चौके लगा चुकी है जैक सुपर किंग बारडोली 11 डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर। और इस बीच आ पहुंचा है जैक सुपर किंग बारडोली 11 का 22 रन, पारी का ओवर नंबर चल रहा है 3। अच्छी स्थिति है, देखिए ऐसे नहीं है, एक समान चांसेस चल रहा है दोनों टीम के लिए, सनी के विकेट सुरक्षित है, रिक्वायर्ड 100 महत्वपूर्ण है। ये रिवर्स खेलने की कोशिश, एक टिप्पा खाया, टिप्पा खाने के बाद जंप किया गया, जंप के बाद गेंद गई फिर से, जब तक गेंद को फील किया जाए एक रन के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 23 रन, पारी का ये ओवर नंबर चल रहा है 3, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं, टारगेट 48। इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया, स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला गया जैक पटेल की दिशा में, गेंद गई डीप गली बाउंड्री लाइन की ओर, जब तक गेंद को फील किया जाए एक रन का मौका बल्लेबाजों के बीच, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जैक सुपर किंग बारडोली 11 का 24 रन, पारी का ओवर नंबर चल रहा है 3, टारगेट 48। 6 ओवर का मुकाबला, 6 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए पटेल भाटा 11 ने 47 रन बनाए थे, जॉब में एक सफल साझेदारी अकरम बोनी और हितेश पट्टू के बीच। नो बॉल, व्हाइट का इशारा अंपायर की ओर से, अंपायर डिक्लेयर व्हाइट बॉल, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ ओके, रिव्यू लिया जा रहा है देखे फील्डिंग टीम की ओर से, स्कोर इस बीच रुका हुआ 24। व्हाइट का इस बीच सारा देखे आया तीसरे अंपायर पिंटू पाठक सर की ओर से,
तो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ जैक सुपर किंग बाडोली 11 का 25 रन, पारी का युवा नंबर चढ़ाए 3। स्कोर भी रुका हुआ 25, 25 रन। बायां से ओर से विकेट गेंदबाजी की जा रही है फैनी त्रिवेदी की ओर से अक्रम बोनी के लिए। अच्छी गेंद थी, जेंटल पुश के स्ट्रोक को खेला गया शॉर्ट मिड विकेट की ओर, एक रन का मौका, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जैक सुपर किंग बाडोली 11 का 26 रन, पारी का ओवर नंबर चल रहा है 3, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। इसके बाद का जो मैच है पार्थ 11, जिसमें आशिक अली दिखे गए, प्रथमेश ठाकरे दिखे गए, अच्छी टीम बनाई गई पार्थ 11 संजय भाई की ओर से। ये रिवर्स खेला गया, गेंद गई वहां पे जैक की दिशा में, फलस्वरूप एक रन मिला, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। वेन्यू जय सहकार क्रिकेट ग्राउंड कस्बा, कस्बा पार, तालुका नवसारी, डिस्ट्रिक्ट नवसारी, गुजरात इंडिया। इस बार हुक करना चाह रहे थे लेकिन गेंद ने टिपा खाया शॉर्ट बैकवर्ड्स के लिए की और गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, तब तक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जैक सुपर किंग बाडोली 11 का 28 रन। अच्छा ग्राउंड देखे जय सरकार क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आप देख रहे हैं, दूसरा महत्वपूर्ण साल है हसुका का और धर्मेश भाई की अगुवाई में टूर्नामेंट्स का आयोजन किया गया, अखिल भारतीय टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट, एक से एक दिखे गए आज इस प्रतियोगिता में। टेनिस क्रिकेट .in के ऊपर ये लाइव मैच, 19 लाख सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है टेनिस क्रिकेट .in के ऊपर। और इस बार आगे आकर शो को खेला बल्लेबाज ने, गेंद जाई वहां पे और नहीं रोक पाएंगे, गेंद गई वहां पे स्ट्रेट लॉन्ग ऑन के ऊपर से, हाफ बॉडी बनाकर स्ट्रेट लॉन्ग ऑन के ऊपर से शो को खेला गया 6 रन के लिए। तो उसके बाद स्कोर जा पहुंचा है 34 रन 34, पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है, 34 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी अक्रम बोनी और हितेश पट्टू के बीच। ये बेहतर है, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे, देखे फील्डिंग, देखे अच्छी फील्डिंग वहां पे शॉट कवर के फील्डर्स की ओर से, इस प्रकार स्कोर रुका हुआ 34, पारी का ओवर नंबर चल रहा है 4। टूर्नामेंट के जो टाइटल स्पॉन्सर्स मिस्टर जीरल भाई पटेल, प्रभाव कुछ फाउंडेशन, केतन कंस्ट्रक्शन केशियल एंड शूज फैक्ट्री मिस्टर चेतन भाई पटेल। ये खूबसूरत देखे आउट रहे वहां पे, लेग ब्रेक थी, खूबसूरत कैच लिया गया जय पटेल मरोली की ओर से, 34 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर।
मिहिर बाउंटो अब आए बल्लेबाजी के ऊपर, मिहिर पटेल इज बिलोंगिंग फ्रॉम सूरत। स्कोर 34 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर, पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है, एक विकेट के नुकसान के ऊपर 48 रन के जवाब में। इसके बाद का एक बहुत बड़ा मैच पारसी इलेवन वर्सेस प्यारी मंजिल इलेवन के बीच। नियमित अंतराल के ऊपर अगर विकेट लेगी या डॉट गेंदे की जाएगी तो ये मैच अभी भी जीत सकती है पटेल इलेवन भाटा। ऐसा नहीं है कि मैच गया है, एक समान मैचेस चल रही है, जीतने की पूरी उम्मीद है दोनों टीमों को है। और यही कई बार रहा है टेनिस क्रिकेट में कि छः में छः सिक्स गए जाते हैं, उसके बाद में छः गेंदे के ऊपर छः रन नहीं बना पाती है, कई बार रहा है अखिल भारतीय टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट में। बैट्समैन मोंटू मिहिर, अक्षय भाई नहीं खेल रहे, अक्षय भाई का देखिए अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट रहा है कस्बाबार की ओर से, समाज के बहुत अच्छे बल्लेबाज है और उम्मीदें करता हूँ कि अच्छे परफॉर्मेंस अक्षय भाई की ओर से किए जाए अखिल भारतीय टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट में। मेरे खास करीबी दोस्त भी अक्षय भाई, इस बार स्ट्रोक को खेलना चाह रहे थे, कवर की दिशा में सिरी मिरोफ के सन के ऊपर जाकर फील किया गया, इस बीच स्कोर इस बीच रुका हुआ 34 रन 34। पारी का ओवर नंबर चल रहा है 4, एक विकेट के नुकसान के ऊपर टारगेट 48, इक्वली बैलेंस चल रहा है। पिछली दोनों गेंदें डॉट की गई गेंदबाज की ओर से, इस बार कैच है और ये गेंद चली गई वहां पे मानव के सर के ऊपर से चली गई है 6 रन के लिए। हाँ निखिल पटेल, निखिल डी पटेल आए अब गेंदबाजी के ऊपर। स्कोर 40 रन, 8 रन चाहिए आने वाली 12 गेंदों के ऊपर क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के लिए। और इस बार फिर से पुल किया और इस बार गेंद चली गई सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन सूरत पारी। रिवर्स स्ट्रोक खेला गया था 6 रन के लिए हितेश पट्टू की ओर से, ऑफिस से रिवर्स के लिए गए वहां पे आसान कैच फैनिल त्रिवेदी के लिए। ये आसान कैच लिया गया फैनिल त्रिवेदी की ओर से, ये स्विच हिट स्ट्रोक खेलने की कोशिश, भले फिर के पोजीशन बदल दी थी उन्होंने, स्विच हिट के लिए गए वो। तेजस आया बल्लेबाजी के ऊपर जैक सुपर किंग बारडोली की ओर से, तेजस 2 रन चाहिए अभी भी आने वाली 10 गेंदों के ऊपर इस मैच को जीतने के लिए। रिमेनिंग बॉल 10, नीड रन 2 एंड टीम इन एंटर इन सेमीफाइनल स्टेज।
निखिल पटेल गेंदबाजी के ऊपर, छिपारी खेली गई वहां पे हितेश पट्टू की ओर से जैक सुपर किंग बारडोली के लिए। ठंडी हवा देखे, खुशनुमा वातावरण, और इस बार हल्के हाथ से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, फ्लिक किया था डीप मिड विकेट की ओर। जब तक इनको हाफ वे आकर फील किया जाए, टाई के ऊपर ये मैच जा पहुंचा है, मतलब बरोबरी के ऊपर ये मैच, अभी एक रन चाहिए आने वाली नौ गेंदों के ऊपर। मोंटू और तेजस की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर जैक सुपर किंग बारडोली के लिए। ये पहला क्वार्टर फाइनल, उसके बाद में दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच पार्थ इलेवन वर्सेस प्यारी मंजिल इलेवन के बीच। मैनी स्टार अवेलेबल इन पार्थ इलेवन, संजय भाई की ये टीम। और इस बार कोटेन बॉल किया जा रहा है, बहुत दूर से स्ट्रोक को खेला गया है। गेंद देखे वहां पे लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक का मिश्रण किया जा रहा है वहां पे निखिल की ओर से। यासिर पटेल अब आए हैं गेंद बल्लेबाजी के ऊपर, जैक सुपर किंग इलेवन के कप्तान। आइए क्लीन बॉल, लेग ब्रेक, खूबसूरत गेंद, रिवर्सिव स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, क्या होने जा रहा है बीच मैदान के ऊपर।